एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम आए हैं सोनौली बॉर्डर, यानी कि नेपाल में एंट्री कर रहे हैं। अभी तो बॉर्डर पे ही हैं, बस स्टैंड पे गाड़ी पार्क किए हैं और जा रहे हैं लोग एंट्री करने। और दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का एक्वा पार्क, वाटर पार्क। लेट्स गो। सो चलिए लोग, चला जाता है। अभी गाड़ी अंदर लेके जाना फायदेमंद नहीं लगा, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि जो है यहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक का, और एक घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद, सो नंबर आएगा तो भंसार होगा, और भंसार होने के बाद से जो है तब एंट्री मिलेगी। और जाना है 2 किलोमीटर यहाँ से है एक्वा पार्क सोनौली बॉर्डर से। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से ई रिक्शा कर लिया जाएगा या ऑटो कर लिया जाएगा, छोड़ देगा वहाँ से। तो अभी हम लोग गाड़ी लगा दिए हैं लोग यहाँ बस स्टैंड पे, ये अभी भारत में ही हैं हम लोग। और यहाँ से जो है पैदल जा रहे हैं, थोड़ी दूरी पे है, और वहाँ से फिर एंट्री करेंगे लोग। और चल के दिखाते हैं आप लोग को एक्वा पार्क यहाँ पे कैसा है। अभी तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, बुखार हो गया है गर्मी की वजह से, बहुत हाई टेम्परेचर है इस समय गोरखपुर में। सुबह 8 बजे ही लग रहा है, दोपहर हो गया है। सो चलिए लोग, साथ में बने रहिए लोग और इन्जॉय करिए लोग वीडियो। आप लोग आए लोग और बाहर गाड़ी लगाना हो तो आप लोग सोनौली डिपो पे आके गाड़ी लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। नहीं तो अन्यथा यहाँ पे जितने भी पार्किंग्स बने हुए हैं, 100 रुपये एक दिन का चार्ज है वहाँ पे। और हम लोग यहाँ ढूंढ लिए हैं जगह, तो यहाँ लगा दिए लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पास में ही बाथरूम वगैरह भी है, सार्वजनिक शौचालय भी है। सो बहुत ही अच्छा रहा, रात में ही आ गए थे लोग। और ये हम लोग आ गए बॉर्डर पे, अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं। बहुत तेज धूप हो रहा है अभी, जबकि सुबह के बज रहे हैं 9:30। मॉर्निंग में हम लोग आए थे तो गेट बंद था यहाँ पे, गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्क किए थे। और गेट जो है सुबह 6 बजे खुलता है, 6 बजे के बाद एंट्री चालू होता है, 7 बज जाता है, 7 बजे के बाद ही एंट्री होता है नेपाल में। तो आप लोग अगर रात में आएँ तो रात में एंट्री नहीं होता है, गेट बॉर्डर क्लोज हो जाता है शाम को ही 6 बजे, और सुबह फिर 6 बजे खुलता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग अगर आते हैं लोग तो नेपाल घूमने। और अभी हम लोग इंडिया में हैं, इमिग्रेशन, और एंट्री कर रहे हैं लोग नेपाल। हमारे इंडिया के एसएसबी भाई लोग हैं, चेकिंग चल रहा है। ये है अपना इंडिया का गेट, यहाँ पे जांच हो रहा है, आधार कार्ड वगैरह देखा जाता है, फिर एंट्री मिलता है। लोग आ गए नेपाल, ये नेपाल का गेट है। अब हम लोग आते हैं नेपाल में गाड़ी लेके, तो फिर यहाँ रुकना पड़ता, भंसार वगैरह कराना पड़ता, फिर जाते लोग, जो कि 650 इंडियन INR करेंसी है भंसार का, और 1100 या 1200 रुपये नेपाली। होता है भंसार, जैसे ही हम लोग गेट से एंट्री करेंगे, सामने ही आप लोगों को दिख जाएगा, यहीं होता है भंसार। चेकिंग वगैरह होगा गाड़ियों का, और ये है एंट्रेंस का नज़ारा। यहाँ पे बस वगैरह मिल जाएगा, अगर काठमांडू वगैरह जाना है गाड़ी वगैरह मिल जाएगा, अगर कहीं घूमने जाना है तो यहाँ पे खड़े रहते हैं ड्राइवर्स वगैरह, ट्रैवलर वाले, यहीं से मिल जाएगा। वहाँ भंसार कार्यालय, ये यहाँ से हम लोग लेंगे ई रिक्शा, और यहाँ से वाटर पार्क जाने का एक लोग का 15 रुपये चार्ज है। ये बैठ गए लोग, हम भी चले
बहुत गर्मी है भाई नेपाल में। काठमांडू चलेंगे, वहाँ पोखरा पोखरा चलेंगे। कौन सा गेट है भाई? सेल्फी गेट बोलता है कोई, घोटाला गेट बोलते हैं। और हम लोग को यहाँ से कट जाना है वाटर पार्क। आ गए हम लोग वाटर पार्क। कार वगैरह भी पूरा अंदर ही जाता है ना, स्टैंड वगैरह अंदर ही है। अंदर तक ले जाएगा भाई। फाइनली पहुंच गए लोग, एंट्री हो गया। ये दिखाते हैं एक्वा पार्क, बहुत ही रील्स में मैंने देखा था, आज रियल में देख लिए। यह है टिकट काउंटर। क्या चार्ज है? 300 330 तीन। सो 330 रुपए का पड़ा एक टिकट। और ये हम लोग की एंट्री हो रही है। एक अभी चालू नहीं हुआ है। ये पानी में गलता नहीं है ना? नहीं गलेगा, बिक जाएगा, मतलब गन फट जाएगा, ये नहीं फटेगा। नहीं भैया, निकल जाता है, पहले वाला जैसा नहीं है। पहले वाला भाई नहीं मिल रहा हमको, ये दिक्कत पड़ रहा है। तो हम लोग अभी फर्स्ट बोल रहा कि आप लोग अभी स्टार्टअप में ही जा रहे हैं लोग। चाबी लिए गाड़ी का? हाँ। और ये है एंट्रेंस, तुरंत वहाँ एंट्री के बाद ऐसा ना जा रहा है। ये क्या है? क्लॉथिंग के लिए, शॉपिंग के लिए है। ये है चेंजिंग हॉल, मतलब परचेज करना है, रेंटल नहीं है। रेंटल भी है? रेंटल भी है। क्या चार्ज है दोनों का? दोनों का 150 है, रेंटल का 75 रिटर्न होगा और परचेज्ड का नहीं होगा। अच्छा, नहीं सिंगल चाहिए बस नीचे का जी। ऊपर और नीचे का लेंगे तो 300 पड़ेगा, ऊपर का रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ नीचे का रिटर्न होगा। अच्छा, नीचे का क्या प्राइस है? नीचे का 150। ऊपर का कंपलसरी नहीं, सिर्फ नीचे का कंपलसरी, रेंट में नीचे का लेंगे तो दे दीजिए। टोटल कितना चाहिए आप लोगों को? लेना है कुछ लाए वो लोग, लोअर वगैरह? लोअर में हम कर लेंगे। है है एक चाहिए मुझे। आपको बाहर का टिकट दीजिए। बाहर का टिकट दे दीजिए। ये रहा बाहर का टिकट। और परचेज में क्या चार्ज है? 300 नीचे का? नीचे का नहीं, नहीं सिर्फ नीचे का 150 ही है अभी। नीचे का परचेज वाला नहीं है, सिर्फ ऊपर का है। अच्छा, नीचे का सिर्फ रेंटल ही है अभी जी। ओके, तो दोस्तों हम लोग ले लिए हैं। कौन सा लिया गया है? ये चड्ढा मिला है, 150 का मिला है परचेज में 150। और अगर रेंटल है तो फिर रिटर्न करने पे 75 वापस हो जाएगा। ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ये चेंजिंग रूम इधर है, ये वुमेन लॉकर, ये मैन। कपड़ा रख दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। आ जाओ ब्रदर, चेंजिंग रूम किधर है? चेंजिंग मैडम, लॉकर का चाबी है?
क्या वो आ रहा है, रुको। ये है लॉकर, सामान रखना है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कंपलसरी, वॉशरूम वगैरह भी है। अच्छी बात है, आज मेरा तबीयत भी खराब लग रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो मिल गया हम लोग को लॉकर नंबर, मिला है 64, सी का 64 उधर है। और अभी आए चेंज करने, तो चेंज करके अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम धड़ करके फिर हम लोग निकलेंगे। अभी जो है चालू भी नहीं हुआ है नहाना, क्या हुआ फिर निकला जाएगा हॉस्पिटल, क्या है तो मिलते हैं। और दोस्तों बता दें कि लॉकर के लिए 250 रुपये जमा हो रहा है, 250 रुपये जमा हो रहा है, जो कि आपको जब आप फिर से लॉकर का चाबी देंगे, हैंड ओवर करेंगे, तो 175 वापस कर दिया जाएगा, 75 रुपये चार्ज बस लिया जा रहा है लॉकर का। तो यही चीज़ें हैं सब में। ड्रेस चेंज कर लिए लोग, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए लोग, ये हायर किए थे हम, और अब लॉकर में हम लोग सामान रखते हैं अपना लॉकर। इसको पहन लीजिएगा भाई, पहनने के ठंडा है कि नहीं भाई? यहाँ होता है वो ऑर्केस्ट्रा डीजे, और ये है नज़ारा वाटर पार्क का, ठीक ठाक है, अच्छा है। वो बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए है। पानी भर रहा है, ठंडा है पानी, अच्छा लग रहा है। ठंड भी है, गहरा है, ये अंधेरा अंधेरा आ रहा है। ये चालू किया, अब हम लोग चलेंगे इसमें। पूरी हाइट पे है, जबरदस्त मजा आएगा। ये आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से नजारा, अभी और ऊपर चलना है। और ऊपर का जाके कूदना है का? तो दोस्तों चलते हैं। अच्छा सरके का नहीं, क्या है इसे? चलो रुद्र, आई शाबाश, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुरंत मत जाओ, ये निकाल के जाओ, सरके का नहीं, स्लाइड ही नहीं होगा भाई। आओ गया रुद्र, गई ना, जो जा खोजो तो निकाल उकाल के अब चल रहे हैं। और ये चले, अरे भाई अरे हाई हाई या
कौन है? कैसा लगा? बड़ा स्पीड बढ़ गया था साला। अरे हाउ कहाँ है? अरे हाउ आया नहीं अरे उल्टा कैसे हो गया? अरे उल्टा कैसे हो गया था यार? ये गजब का है ये यार। अरे हमारा टिकट है भाई, आप चलिए अगले जगह पे। डीजे चालू हो गया है, अरे बड़ा ठंडा पानी है इसमें। ये एंड हो गया है, अब खत्म होने के कगार पे है। शाम के 4 बज गए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो कवरअप नहीं कर पाए हम। डांस हो रहा था यहाँ पे, दो दो लेडी डांस कर रही थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जितना भी देख पाया आप लोगों ने, और इसके आगे मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि फ़ोन मेरा हो गया था डिस्चार्ज, सडन ऑफ हो गया। कुछ तो वीडियो है जो दूसरे फ़ोन से शूट किया गया है, डाले हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉयमेंट हुआ और बहुत अच्छा जगह है। अगर आप लोग आना चाहें, चाहते हों, अगर ख्वाहिश हो आने का यहाँ पर, तो मैं तो कहूँगा ज़रूर आइए लोग, टाइम आसानी से पास हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। गोरखपुर के अपेक्षा तो सही है। गोरखपुर में तो एक वाटर पार्क था जो उसका तो प्राइस था 800 रुपये, बढ़ गया था 350 से। इसका तो अभी भी 330 ही है। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लोग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा लोग दोस्तों, ताकि हम और भी वीडियोस ऐसे दिखा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, अच्छे से शूट करूँगा। अभी मैं एक बार फिर आऊँगा यहाँ पर और फिर मैं दिखाऊँगा इस जगह के बारे में, अच्छे से शूट करके दिखाऊँगा।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।